नगरा क्षेत्र में कोचिंग स्टूडियो में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। स्टूडियो में 18 सदस्य थे मौजूद। गनीमत रही, सभी को सुरक्षित निकाला बाहर। सूचना मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस व फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर। जल्द आग पर पाया काबू। जी देखिए, हमारे संस्थान के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन होती है, यानी कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। ऑनलाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस बनते हैं जिसके थ्रू बच्चे यूट्यूब पर या हमारे सॉफ्टवेयर पे पढ़ते हैं अपने अपने घर में बैठकर ही पूरे भारत में। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ बच्चे नहीं हैं और ना इस सेंटर पर आते हैं, क्योंकि सेंटर नहीं, कोचिंग सेंटर नहीं है ये। ये एडटेक का एक ऑनलाइन स्टूडियो है, ठीक है। अब वहाँ पर इस ऑफिस के अंदर सपोर्ट स्टाफ के अलावा जो स्टूडियो होता है जहाँ पर टीचर अपनी शूटिंग करते हैं, उस स्टूडियो के अंदर फोम लगा होता है। उस वहाँ पर कैमरा जो था उसकी हैलोजन लाइट तेज़ गर्म होने से फट गई होगी, तो उसकी चिंगारी ने उस फोम को जला दिया। उसकी वजह से उस स्टूडियो में आग लग गई। पूरे ऑफिस में हमारे आग नहीं लगी है, सिर्फ स्टूडियो वाले पार्ट में आग लगी। और उसके कंबस्टन से जो है ये जो एसी था वो फट गया, राइट। ये पहली बार, हमने भी पहली बार देखा। उस वक्त जो स्टूडियो में टीचर थे, जैसे ही वो कैमरा का जो चिंगारी निकली तभी वो बाहर आ गए थे, और जैसे ही वो फोम जलने लगा था हमने सारे स्टाफ को बाहर निकाल लिया था। तो इस वजह से हमारे स्टाफ मेंबर के साथ किसी के साथ में कोई हताहत या कोई तरह की परेशानी नहीं हुई। 16 लोग थे और फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ करते, उससे पहले स्टूडियो अंदर से चूंकि बनता तो उसमें आग ज़्यादा लग चुकी थी, क्योंकि पूरा फोम का होता है। तो अब किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो फायर एक्सटिंग्विशर या पानी का इस्तेमाल करें आग बुझाने की कोशिश करने के लिए। हमारे लिए पहले इनकी जान बचाना जरूरी था, तो ये सब लोग बाहर नीचे उतर गए। सबको बाहर निकालने के बाद में भी तब तक आग